हरदा जिले के सिराली में विगत दिनों हुई घटना को लेकर आदिवासी संगठन द्वारा वन विभाग कार्यालय का घेराव किया गया एवं एसडीओ ओम प्रकाश बिड़ारे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि आरोपी गणों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। शीघ्र 3 दिन के अंदर आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई कर अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों को न्याय दिलाया जाए, अन्यथा संगठन के माध्यम से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। गौरतलब है कि विगत दिनों ग्राम नीमढाना के समीप अतिक्रमण एवं सागवान के पेड़ों की कटाई की सूचना पर वन विभाग द्वारा उक्त स्थल पर जाकर मौका मुआयना किया गया था, जिसमें लगभग 64 वृक्षों को नुकसान पहुंचाना पाया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा ग्रामीण से पूछताछ की गई थी, किंतु ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग के अमले द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत आवेदन के रूप में थाना सिराली को भी दी थी, किंतु 2 दिन बीतने के बाद भी कार्रवाई न होने के बाद संगठन द्वारा मंगलवार को कार्यालय का घेराव करते हुए शीघ्र कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी है कि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आगे आंदोलन किया जाएगा। कार्यकर्ता हूँ, साथ साथ में जय आदिवासी वसिष्ठ संगठन का जिला कार्रवाई अध्यक्ष हूँ जी। अच्छा, आज जो आपके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया, इसमें क्या कार्रवाई चाहते हैं आप और ये आवेदन आपने किस कारण दिए जी? ये मामला जो है 20 अगस्त 2022 का मामला है जी, जिसमें हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर वनाधिकार वन विभाग के अधिकारी द्वारा मारपीट की मारपीट की गई है। इसके कारण से उन लोगों से गंभीर चोटें आई हैं और हमने तत्काल इसको अवगत कराते हुए माननीय थाना प्रभारी मधे को भी हमने लिखित शिकायत दी है। इसमें हम लोग जांच करेंगे जी कि इन लोगों की जो शिकायत है जी उसके विरुद्ध रेंजर साहब के विरुद्ध है जी, तो हम लोग इसकी जांच करेंगे, इसमें क्या जो भी आगे उचित कार्रवाई होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाए।